हेलो नमस्ते, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग होती है वो कितने दिनों तक होती है और नॉर्मल पीरियड से ये ब्लीडिंग किस तरह से अलग होती है, कितना होना नॉर्मल है और कब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसके अलावा हम बात करेंगे कि डिलीवरी के बाद दोबारा से पीरियड्स कब आते हैं और इसमें हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। तो शुरू करते हैं, डिलीवरी के बाद आपको ब्लीडिंग कितने दिनों तक रहती है। चाहे आपकी डिलीवरी नॉर्मल हुई हो डॉक्टर के पास या घर पे, या फिर आपका सिजेरियन हुआ हो, सी सेक्शन ऑपरेशन से बच्चा हुआ हो, दोनों ही कंडीशन में आपको 1 से 1.5 महीने तक ब्लीडिंग होती है, जिसे हम लोकिया बोलते हैं। तो ये लोकिया पीरियड से अलग कैसे है जबकि ये भी ब्लीडिंग ही हो रही है? तो बेसिकली बहुत सारे लोग इसको पीरियड्स ही बोलते हैं कि बच्चा हो जाने के बाद 1-1.5 महीने तक पीरियड्स रहता है, पर ये पीरियड्स नहीं होता है। ये पीरियड्स ब्लड से बिल्कुल अलग होता है। एक तो ये उतना हैवी नहीं होता है, गाढ़ा नहीं होता है। ये जो ब्लीडिंग होती है वो पतली होती है, इसका कलर टाइम के साथ चेंज होता जाता है। स्टार्टिंग में डार्क रेड कलर का ब्लड आता है, इसके बाद आपका येलोविश होता है और फिर धीरे धीरे वाइट और ट्रांसपेरेंट होता जाता है। तो ये 1-1.5 महीने आपकी ब्लीडिंग होती है और इसमें पीरियड्स के कोई सिम्टम्स भी नहीं होते। जो क्रैम्प्स होते हैं, हेडेक होता है, माइग्रेन हो जाता है, किसी को बैक पेन वगैरह होता है, वो सारे सिम्टम्स आपको इस ब्लीडिंग में नहीं दिखते हैं। तो आप इजीली पता कर पाएंगे, क्योंकि इतने सालों से आपको पीरियड्स आ रहे थे तो आप पता आपको चल जाएगा कि ये पीरियड्स के जैसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि इतने लंबे टाइम तक आपको रहता है फिर भी आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितनी पीरियड्स में 4 से 5 दिन में ही होती है। अब 1-1.5 महीने ये ब्लीडिंग होती रहती है फिर भी हमें उस तरह की दिक्कतें नहीं होती हैं। तो ये तो हो गई ब्लीडिंग की बात। अगर 1 से 1.5 महीना हो गया है उसके बाद भी ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, ब्लीडिंग हो रही है, या फिर बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है, क्लॉट्स आ रहे हैं, या फिर उसमें से स्मेल आना शुरू हो गया है, तो आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड करेंगे और देखेंगे कि यूट्रस में कोई क्लॉट, कोई टिश्यू रह तो नहीं गया है जिसकी वजह से ये स्मेल या फिर ये ब्लीडिंग होती जा रही है। तो उसकी दवा डॉक्टर देंगे ताकि वो क्लॉट निकल जाए और आपकी जो ये ब्लीडिंग है वो रुक जाए। ये हो गई ब्लीडिंग की बात। अब बात करते हैं कि डिलीवरी के बाद नेक्स्ट पीरियड्स कब से शुरू होते हैं और इसमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए। ये डिपेंड करता है कि आप कितना ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं। कुछ लोग ब्रेस्ट फीड कराते ही नहीं हैं, दूध नहीं भी आता है, और कुछ लोग अपनी चॉइस से भी ब्रेस्ट फीड नहीं कराते हैं। इसके अलावा कुछ लोग 1-2 बार 3 बार ब्रेस्ट फीड करते हैं अपने बच्चे को और बाकी ऊपर का दूध पिलाते हैं। कुछ लोग पूरी तरह से ब्रेस्ट फीड करते हैं, यानी कि दिन भर में 24 घंटे में 10 से 12 बार ब्रेस्ट फीड कराते हैं बच्चे को, और बच्चे को ऊपर से कोई भी दूध या कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आप अच्छे से दूध पिला रहे हैं, दिन में 10 से 12 बार दूध पिला रहे हैं बच्चे को, तो फिर आपके पीरियड्स 6 से 8 महीने, किसी किसी के 10 से 1 साल, मतलब 12 महीने भी पीरियड्स नहीं आते हैं। लेकिन जो फीमेल्स कम ब्रेस्ट फीड करती हैं उनका पीरियड्स 3 से 6 महीने में भी आ सकता है, और जो ब्रेस्ट फीड नहीं करती हैं उन फीमेल्स को 6 से 8 वीक में ही, यानी कि 1.5 से 2 महीने बाद ही पीरियड्स आने लगते हैं। अब ये फीमेल टू फीमेल थोड़ा चेंज हो सकता है। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये एक बेसिक बता रही हूँ कि अगर आप अच्छे से ब्रेस्ट फिट कर रहे हो तो 6, 8, 10 महीने आपको पीरियड्स नहीं आते हैं। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या अगर पीरियड्स आपको नहीं आ रहे हैं, आप अच्छे से ब्रेस्ट फिट करा रहे हो अपने बच्चे को और 10 से 12 बार दिन में ब्रेस्ट फिट करा रहे हो, बच्चे को ऊपर से कुछ देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, आपके पीरियड्स भी नहीं आ रहे हैं, तो क्या आप प्रेग्नेंट हो सकते हो? हाँ बिल्कुल हो सकते हो, क्योंकि बॉडी है आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा हो गया, या फिर आपका ब्रेस्ट मिल्क कभी कम हो गया बीच में तो एग रिलीज हो सकता है। चाहे आपके पीरियड्स अभी नहीं आए थे तब भी जो अंडा है वो निकलेगा और उस टाइम पे आप प्रेग्नेंट हो सकते हो। तो इसलिए आपको सावधानियां बरतनी शुरू कर देनी चाहिए। अपने डॉक्टर से मिलिए, उनसे पूछिए कि गर्भ निरोध का, यानी अगर आपको बच्चा नहीं चाहिए इतनी जल्दी, ऑफ कोर्स किसी को बच्चा नहीं चाहिए होगा, अभी अभी आपकी डिलीवरी हुई है,
तो इसके लिए आप अपने डॉक्टर से मिलिए। सबसे अच्छा है कॉन्डोम्स का यूज़ करिए, क्योंकि आप दवाइयाँ खाएंगी तो उससे आपका ब्रेस्ट मिल्क कम हो जाएगा, ब्रेस्ट मिल्क पे असर पड़ता है। सेफ मेडिसिन आप पूछ सकते हो अपने डॉक्टर से, कॉन्डम्स का यूज़ करिए वो सबसे बेस्ट होता है, या फिर 3 मंथ के बाद आप कॉपर टी भी लगवा सकते हो। आप अपने डॉक्टर से सलाह ले लीजिए और सावधानियां करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर कोई भी कंडीशन गलत हुई, आप प्रेग्नेंट हो गए, तो प्रॉब्लम आप ही को होनी है। तो होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, सभी फीमेल्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, सो दैट उनकी जो कंफ्यूजन है, प्रॉब्लम है, वो दूर हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।